हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, यानी कि हम लोग जो मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 9.4 को। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और वो कैसे ऑर्डर का होना चाहिए, भाई फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, दैट इज हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो पिछले वाले मतलब 9.1 में तो हमने बेसिकली ये सीखा कि भाई कौन सा हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस सारी चीजें ऑर्डर सीखा हमने, डिग्री सीखी। फिर 9.2 में फिर हमने सीखा कि अगर सॉल्यूशन दिया हुआ रहता था, ठीक है, तो सॉल्यूशन दिया रहता था तो हम ये प्रूव करते थे कि चलो प्रूव करो कि ये सॉल्यूशन जो है ये पर्टिकुलर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, प्रूव करो। फिर उसके बाद 9.3 में देखो हमने क्या सीखा कि अब हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ होता था और हमें उसको जो है कन्वर्ट करना होता था डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये हमने सीखा। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। चार बातें यहां से हमने जो है अब यहां से सीख ली, मतलब ये हमें फोर्थ वाली बात जो है सीखने जा रहे हैं। देखो, तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है क्या कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अभी आप किसका सीख रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर का सीख रहे हो, है ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सीख रहे हो। चलो मान लेते हैं कि देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बेसिकली कुछ मेरी बातों को आप ध्यान में रखो। सबसे पहले मान लो आपने कहा कि मेरे पास सर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान समझ लो, बहुत ईजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = f(x, y), मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो x और y के समथिंग कुछ ऐसे टर्म में है। मतलब यहाँ पे जो हमारी x और y है, ऐसे समझ लो आप कि हमारी ये कोई एक फंक्शन है x की और फंक्शन है y की। तो मान लो कि इस पूरे टर्म को मान लो हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि सर हमारे पास समथिंग कुछ इस तरीके से था, gx यानी कि जो fx, y है वो समथिंग मतलब x का फंक्शन है और y जो है मान लो हमारे पास है ये hy का फंक्शन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो, सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सी बात याद रखो, dy/dx है, मान लो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर जो है gx और इंटू hy था। देखो करते क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, जो है इसको आपको इसको सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करना है कुछ नहीं। पहला स्टेप क्या करोगे, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं हम उनको सेपरेट करेंगे, मतलब हमारा जो भी जैसे हमने कहा सर जी एक्स है, एच वाई है, अब देखो यहाँ पर आपके पास डी वाई है, डी एक्स है। अब क्या करो कि जो भी डी एक्स है, देखो एक्स वाले टर्म को डी एक्स वाले के साथ रखो और वाई वाले टर्म को डी वाई वाले के साथ रखो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में आया कि एक्स वाले टर्म को डी एक्स के साथ रखना है, वाई वाले टर्म को डी वाई के साथ रखना है। तो क्या करो, क्या करो आप इस एच वाई को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड स्टेप डी वाई अपॉन एच वाई इज इक्वल टू, इस डीएक्स को आप इधर भेज दो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एक्स इंटू डी एक्स। जैसे ही ये चीज आई है ना, आप थर्ड स्टेप में आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड और जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको मिल जाएगा क्या, 1/hy dy और इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स ऑफ डी एक्स gx into dx। और हमें नहीं लगता कि आप जो है बिना डिफरेंशिएशन और बिना इंटीग्रेशन के आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो। आप इन दोनों का क्या कर सकते हो, बहुत इजीली तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि आप सारा का सारा भाई इंटीग्रेशन ही तो पढ़ करके आए हो। तो इस तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन होता है तो हम उसका जो है तो उसका हम सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से निकालते हैं। ये ना, ये पता है इंक जो है ना इसकी, मतलब जब लिखते हैं ना तो इसमें पता नहीं कुछ अजीब सा ऐसा गैस उड़ता है और जो कि डायरेक्टली मेरे जो है ना मुंह पर ऐसे आता है, इस वजह से बड़ी अचानक सी जो है खांसी आती है इस वजह से। चलो ठीक है सर, ये क्या बताया, देखो ये बात समझ में आई, सिंपल है। आपके पास कोई भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, सबसे पहले आप उसके आप जो जो भी उसका जो फंक्शन होगा एक्स का वाई का, आप उसको क्या करोगे करस्पॉन्डिंग डी वाई या डी एक्स के साथ ले जाओगे। एक्स वाला होगा तो डी वाई के पास ले जाओगे और एक्स डी एक्स वाला होगा तो उसको एक्स के पास ले जाओगे और वाई वाला होगा तो उसको डी वाई के पास ले जाओगे, हो गया। बस सिंपली आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे बस, और आपको यहां से इंटीग्रेशन करने आता ही होगा। समझ में आई बात, बस यही करना है और कुछ भी स्टेप नहीं है। ये दो बातें, दो तीन स्टेप आपको क्लियर हुआ ना। बात करते हैं एग्जांपल्स की, देखो एग्जांपल्स से आपकी सारी चीजें जो है क्लियर होंगी और एग्जांपल्स आपको लगाना है, छोड़ करके भागना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, चलो बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखो जी, ये आपका एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बात की बात है, ये कह रहा है कि y ≠ 2 होना चाहिए, ठीक है, वो जाने दो, मतलब नहीं है फिलहाल।
ये कह रहा है कि डिवाइड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू माइनस वाई। तो सिंपल कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपसे देखो क्या कहा है कि जो भी आपका वाई वाला टर्म होगा वो आप उसको डीवाई की तरफ भेज दो, जो भी एक्स वाला टर्म है उसको आप डीएक्स की तरफ भेज दो, या डीएक्स को ही क्या कर दो एक्स वाले की तरफ भेज दो। ये बात समझाई? तो आप देखो क्या करोगे, मैंने कहा सर गिवन है मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देखो यहां पर डी वाई है ना, तो इस टू माइनस वाई को उठा करके इस तरफ भेज देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा भाई, टू माइनस वाई इंटू डी वाई। बोलो फील आ रहा है वो इंटीग्रेशन वाला? हाँ सर ठीक है, एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। बोलो ये बात समझ में आई? क्या कर दिया जाए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। आगे बात समझ में? ठीक है, क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये लिखना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। चलो कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। बोलो क्या मजेदार चीज है। आगे बात समझ में? अब देखो आपको इसका इंटीग्रेशन तो करने आता है भाई, 2 का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जीरो नहीं कर देना, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और 2 का इंटीग्रेशन होता है डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो हम कहेंगे वाई, और अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो हम कहेंगे एक्स, टी के रिस्पेक्ट में होगा तो कहेंगे टी। समझ रहे हो बात ना, भूले नहीं हो ना, इसीलिए कह रहे हैं बार बार, इसीलिए हम आपसे देखो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन आपको जो है यहां से रिविजन करके आना है। रिविजन नहीं करके आओगे बचा लोग तो फिर जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है ओके, तो 2 का हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 2y मिल जाएगा। हाँ भाई 2 है तो 2y मिल जाएगा, और देखो माइनस वाई है। अब वाई का आप अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, वाई, यानी कि वो एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला फॉर्मूला याद आया, तो क्या मिल जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन, सॉरी वन प्लस एन प्लस वन, दैट मीन्स वन प्लस वन दैट मीन्स टू। सिंपल ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू एक्स, एक्स का करोगे तो देखो आप क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस वन का करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे सर आप एक चीज भूल रहे हैं सर, कॉन्स्टेंट। सर आपने सर इसका डिफरेंशियल, आपने सर सॉरी आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपने ये कॉन्स्टेंट नहीं लगाया, आपने इसका भी इंटीग्रेशन किया तो कॉन्स्टेंट लगा। देखो कहने का क्या सीन बनता है ना, जैसे आप यहाँ पर इसका एक कॉन्स्टेंट लोगे सी सी नहीं कुछ और लेना सी वन, यहाँ पर इसका एक कॉन्स्टेंट लोगे सी टू, भाई दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलाकर के जो भी वैल्यू, मेरी बात समझना, जैसे आपने कहा सर हमने ले लिया C1 और एक तरफ हमने ले लिया C2 है ना, अब इन दोनों को हमने मिला करके यानी कि C1 माइनस C2 को मिला करके हम ओवरऑल क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। या मान लो अगर ये C2 माइनस C1 भी होता तो भी हम इसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं, अगर ये C2 माइनस C1 भी होता तो उसकी वैल्यू हम क्या लिख देते, C। मतलब ओवरऑल को मिला जुला करके कहने का क्या सीन है ना, कि यहाँ पर हमें C को एक कॉन्स्टेंट बताना है, वो चाहे जो भी हो, माइनस में हो निगेटिव में हो, ओवरऑल हमको एक C बना देना है। अच्छा तो सूटेबली देखो क्या करना, कि आप जो है इन सभी का कांस्टेंट एक तरफ ले लेना, जिधर आपका एक्स वाला होगा ना आप उसकी तरफ क्या ले लेना, एक कांस्टेंट ले लेना। ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है, आप इधर चाहो तो इधर भी ले सकते हो, लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है, है ना, कि आप दोनों तरफ लो। आपने दिखा दिया कि हाँ भाई पूरे का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारा एक कांस्टेंट आ गया सी, इतनी बात क्लियर है। या सी नहीं लेकर के हम क्या ले ले, सी वन ले लेते। अभी रुको बात समझो, क्यों सर सी वन क्यों लिया, सी क्यों नहीं लिया, यार कुछ भी लो। देखो चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने अभी सी ले लिया, लेकिन अभी लिखना नहीं कहोगे सर जो है बहुत ज्यादा आप कटवाते हैं, मतलब ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा आप गलत कराते हैं। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, मेरी आदत थी सर सी लेने की, तो ठीक है मैंने सी ले लिया। चलो अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना सूटेबल फॉर्म में नहीं दिख रहा है भाई, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सूटेबल फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब है कि यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं सबको हम इधर भेज दें, है ना, और इज इक्वल टू इधर क्या कर दे, जीरो कर दे। देखो इन सभी को हम इधर की तरफ भेज देते हैं, इधर से, तो इधर से पहले ही इधर से आपके पास है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन टू है प्लस एक्स है, सी को हम लास्ट में लिख लेंगे, और ये जब देखो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टू वाई, और ये प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो जाएगा प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, सभी का हम जो है डेरिवेटिव जो टू बना लेते हैं। तो सभी के डेरिवेटिव को टू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब में यहाँ पर भी देखो टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस, यहाँ पर भी टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का फोर वाई और प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का टू सी। हाँ अब सर मजा आया, अब सर मजा आया, नहीं टू सी आ गया, सॉरी टू सी आ गया, है ना टू सी। अब देखो क्या करेंगे, अब तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, किसको हम मान लेते हैं, बात समझ गए, बात समझ गए, हम इसको इधर भेज देते हैं और इसको मान लेते हैं सी वन, इसको मान लेते हैं सी वन, इसे मान लेते हैं सी वन, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर वाला लिख लो वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाला लिख लो प्लस का टू एक्स, फिर माइनस वाला लिख लो फोर वाई, और प्लस का इस टू सी वन की जगह फिर हमने एक कॉन्स्टेंट बना दिया क्या सी, और प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर हम ये बता देंगे कि वेयर
वेयर सी इज इक्वल टू 2C1। बस यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? कितने बच्चों को समझ में आई, अपने हाथ खड़े करो। क्लास वाला सर फीलिंग दे रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये है बस सिंपल, यही आपको जो है ना सिंपल यही सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है। बोलो इस चीज को करने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? कोई मतलब दूसरे प्लैनेट का जो है दिमाग लगाना है? नहीं, आपको अपने ही जो है, आपने जो भी अपने सिलेबस जो भी पढ़े हैं ना, क्लास ट्वेल्थ का जो भी इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, बस केवल और केवल उसी की चीजों को करना है। दूसरे प्लैनेट कहने का मतलब कि हायर क्लासेस का तो नहीं अप्लाई कर रहे हो ना, अपने ही क्लास का कर रहे हो, ये मतलब है, सीन है थोड़ा सा दूसरे प्लैनेट का मतलब। ठीक, ये बात समझ में आई, मजा आया। ना बात करते एग्जाम्पल नंबर 10 की, नोट डाउन कर लो जल्दी से, बता दिया जाए। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। देखो जी, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको इसका जो है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है। चलो सबसे पहले आपको क्या स्टेप पता है, क्या पता है? सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, मैंने आपसे बार बार कहा है। ठीक है, तो देखो गिवन है ना, क्या गिवन है, एक बार इसको लिख लिया जाए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर मैंने कहा क्या, अब जो है वेरिएबल्स को क्या करो, ट्रांसफर करो, x वाले को y, x dx वाले के पास भेजो या dx को x वाले के पास भेजो, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे करते देखो, अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, अब ये इसके, अब ये dy के बिना नहीं रह सकता, क्या करेगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर dy के पास आ जाएगा, तो कैसे आएगा, अपॉन में आएगा। अब dx को इधर भेज दिया जाए अगली बार में, तो देखो कितना हो जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही x वाले के पास चला गया, y वाला y वाले के dy वाले के पास चला गया, क्या कर दो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या लिख दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका आंसर dy, ऐसा लिख देते हैं एक बढ़िया सा जो हमने जो फ्लो हमने जो बनाया था, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन में dy, याद आया क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलो भाई, अब इसका आपको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में क्या करना, आपको डिफरेंशिएशन करना है, और इसका आपको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आप थोड़ा सा याद करो कि अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर होता था, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता था, और या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो आप इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे? तो इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता था, याद आया क्या, कौन सा फॉर्मूला, कितने बच्चों को देखे याद आया, क्या याद आया, देखो tan इनवर्स वाई, भाई वाई के रिस्पेक्ट में है तो क्या करोगे, tan इनवर्स वाई करोगे। अच्छा, तो सिमिलरली इसका भी बन सकता है, बिल्कुल सर, ये तो हमें सर याद ही था। अच्छा, ये वाला सर भूल रहे थे, वही चीज है भाई, आपकी आदत थी x में, यहाँ पे आपको y में दिख गया, तो tan इनवर्स x। अब एक हम कॉन्स्टेंट ले क्या, सी ले ले, क्योंकि और कोई ऐसे तो 2c तो होने वाला है नहीं, इसलिए समझ रहे हो, क्या कर दो, इस tan इनवर्स y को भी आप इधर की तरफ ट्रांसफर कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो कोई भी बड़ी चीज, कोई भी दूसरे प्लेनेट का कॉन्सेप्ट, मतलब आउट ऑफ सिलेबस का कॉन्सेप्ट लगा क्या? बिल्कुल नहीं लगा सर, इस टाइप का आप जो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से किया हो, बहुत ही अच्छे तरीके से किया हो। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 11 की, नो डाउन कर लो जल्दी से, मिटा दिया जाए। देख बच्चे, ये बोल रहा है आपका एग्जांपल नंबर 11, कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4xy² गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। एक वर्ड पे ध्यान दो, सिंपल सी बात है, एक वर्ड पे आप ध्यान दो, अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें बोलता था कि जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता था जिसको हम C1 या C2 से इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट करते थे। बट यहां पर ये साफ साफ कह रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यानी कि ना पता है आपका उस आपके उस सॉल्यूशन में कोई भी जो है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आप समझो, तो अब उसी चीज के लिए ना ये चीज जो है वो दे दी गई है कि y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 है। कैसे, देखो सबसे पहला काम कुछ नहीं, वो बात की बात है, पर्टिकुलर बोले ना, ठीक है सर हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हमारा जो बेसिक सा जो इस स्टैंडर्ड है करने का, सॉल्व करने का, वो क्या है, सबसे पहले हम गिवन करते हैं, गिवन हमारे पास देखो क्या है, dy dx इज इक्वल टू माइनस का 4xy². अच्छा, dy dx और हाँ ठीक है, क्या बताया था मैंने कि आपको जो भी y वाला टर्म है आप y वाले की तरफ ले जाते हो, x वाला टर्म है वो x वाले की तरफ ले जाते हो, तो देखो y स्क्वायर दिख रहा है, इस y स्क्वायर को dy के नीचे ले आओ,
डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये dx देख रहा है, इस dx को हम x वाली की तरफ ले जाते हैं, दैट मीन्स ये देखो कितना हो जाएगा माइनस का 4x इंटू dx। क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा d, ऐसे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से ऑर्डर में लिख लेते हैं, वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ताकि वो वाली इंटीग्रेशन वाली फीलिंग है ना, और माइनस का जो है 4x dx, ठीक। अच्छा वन अपॉन वाई स्क्वायर है, तो वन अपॉन वाई स्क्वायर का अगर आप जो है अगर आप करोगे इंटीग्रेशन, तो क्या करते थे हम, इस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाते थे, याद आया, तो कितना हो जाता था वाई की पावर माइनस टू, वाई की पावर माइनस टू में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे वाई की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, याद आया क्या, हाँ सही याद आया, इसीलिए मैंने कहा आपसे ना कि आप जाकर के पहले जो फॉर्मूला देखो, तो देखो कितना हो जाएगा वाई की पावर माइनस टू, दैट मीन्स माइनस वन अपॉन माइनस वन, ठीक। अच्छा इसका भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, मान लो सी वन सी टू, कुछ नहीं, हमने आपसे बताया ना कि एक ही बार एक ही तरफ एक्स वाले की तरफ जो है कॉन्स्टेंट मान लो, इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी पहले से है, अब फोर आपका हो गया बाहर, ठीक है, और इस x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा x स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस का एक हमने कांस्टेंट ले लिया c1 या c चाहे जो भी ले लो, अभी फिलहाल देखेंगे, है ना, देखेंगे अभी, ठीक। अच्छा अभी यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि सर c1 ले, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है भाई 2c1 समथिंग इस तरीके से कुछ हो सकता है, देख लिया जाए अगले स्टेप में, ऐसा करो अभी यहाँ पे मत लो, आपको पता है कि लेना है, अच्छा समझ रहे हो ना, देखो ये देखो आपके पास कितना हो गया, अच्छा इस वाई को हम नीचे ले आएंगे तो वन अपॉन माइनस का वन अपॉन वाई इज इक्वल टू, और ये देखो ये कट गया टू, यानी कि टू माइनस का टू एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ऐसा करते हम सी ले लेते हैं, है ना, अब बात समझ में आ गई सर। इसके बाद ऐसा है कि ऐसा है, इसको आप जो है ऐसे ही चाहो तो छोड़ सकते हो, ये आपकी एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका एक कॉन्स्टेंट आ रहा है सी, आ रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, अब जो जो हमारी ये जो जो चीज ये जो गिवन है y is equal to 1 when x is equal to 0, हम इसको क्या करते हैं सारी इक्वेशन में पुट करते हैं, मान लेते हैं सर इसको हमारा ये जो इक्वेशन नंबर है वो है फर्स्ट, ठीक है, क्या कहेंगे सर, पुट y is equal to 1 and x is equal to 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो कितना मिल जाएगा माइनस का 1, भाई 1 अपॉन 1 करोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 तो मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 इनटू x स्क्वायर, दैट मींस x की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 0, दैट मींस 0 और प्लस का c, सो फाइनली आपने कहा सर c इज इक्वल टू में मिल गया क्या माइनस का 1। अब आप क्या कर दो, ये जो भी आपकी c की वैल्यू है माइनस का 1 आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 अपॉन माइनस y और इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का c, क्या कर देते हैं इस y को भी इधर की तरफ ही ले आते हैं, या चाहो तो y को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ऐसा करते हैं यहाँ से माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, तो सो मेरे पास ये बच जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू, और देखो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, क्या बचा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का, सॉरी प्लस का c कहाँ यार, प्लस का माइनस 1, सॉरी माइनस 1, तो माइनस यहां से मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा प्लस का 1, ओके प्लस का 1, अच्छा ये माइनस ही, ये माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, अच्छा सो अच्छा वाई अगर हम वाई को इधर भेजें और इसके फॉर्म में कुछ नहीं, तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये जो है वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू भी हो सकता है क्या 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, समझ गए, आ रही बात समझ में, ऐसे लिख सकते हो भाई वाई को इधर भेजोगे इधर जो है 2x, ऐसे भी कर सकते थे जो है 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी कर सकते थे, वो आपके ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर कैसे लिखना चाहते हो, बस याद रखना है इसमें हमारा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कांस्टेंट को हटाने के लिए ये काम करेंगे जो भी हमारी इक्वेशन में चीजें अगर गिवन है तब, क्लियर है बात, आगे बढ़ी जाए, मतलब बात को आगे बढ़ाई जाए, हाँ एग्जांपल नंबर 12 पर आया जाए, चलो भाई बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12 की, नोट डाउन कर लो जल्दी से आप, चल लिया, चलो देखो देखो जी ये आपका एग्जांपल नंबर 12 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है आपका जो भी ये कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रही है हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दे रखा है x इज इक्वल टू सॉरी x डी वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वन इंटू डी एक्स, बस तो हमें इसका जो है इक्वेशन मतलब हमें इस इक्वेशन का क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है देखो
यहां पर ये जो dy है ठीक है, तो क्या इधर कहीं भी आपको dy y नजर आ रहा है? नहीं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, ये जो x है ना, ये गलत जगह है। इस x को क्या होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए। आगे बात सुनिए, तो गिवन क्या है सर? गिवन है हमारे पास x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। क्या कर दिया जाए? इस x को भी इस तरफ भगा दिया जाए, क्योंकि ये x गलत जगह है। dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। अब सर क्या किया जाए? इनका इंटीग्रेशन किया जाए, है ना? बात आ गई समझ में? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x और ओवरऑल dx। ठीक, अब देखो dy है भाई, dy का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? y मिलेगा। अब बात यहां पर बात जो है प्रॉब्लम आ जाती है सर। क्या? कुछ नहीं, क्या करो, x को दोनों के अपॉन में लिख लो। देखो कुछ हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो ऐसा करते हैं ना कि अभी इंटीग्रेशन नहीं करते, थोड़ा सा हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देखो 2x स्क्वायर अपॉन x और प्लस 1 अपॉन x, बोलो ये कर सकते हैं क्या? भाई दोनों के अपॉन में था x, तो इसके भी अपॉन में x और इसके भी अपॉन में। अभी भी बात वही है कि चेंज हो गई? बिल्कुल सर, बात वही है। तो dy dx dy इज इक्वल टू, हमें देखो क्या मिला? हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो एक x है, ये एक x कट गया, क्या मिला आपको? आपको मिला 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। अलग अलग कर लिया, हो गया कहानी खत्म। dy dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। भूल गए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, याद करके आना है, मैंने आपसे कहा है। ये 2 से 2 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू क्या मिला आपके पास? देखो x स्क्वायर प्लस log x। अच्छा, एक यहां तो हमारा कॉन्स्टेंट छूट ही गया, c प्लस का c। अब आ समझो, अब ये जो पॉइंट दिया है ना 1,1 पॉइंट दिया है, मतलब ये हमारा जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट हमारे पास देखो कितनी है, गिवन पॉइंट हमारे पास है 1,1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू में 1 रखना है और y इज इक्वल टू में क्या रखना है? 1 रखना है। यहां से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रख करके यहां से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आपने रखा y 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log 1 प्लस c, log 1 की वैल्यू होती है 0, सो c इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 1 मिल गया। ठीक, क्या करना है? इस c की वैल्यू जो है उठा करके अपने इस वाले मेन वाले इक्वेशन में क्या कर देनी है? पुट कर देनी है ना। पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो y इज इक्वल टू, देखो आपके पास कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस log x और प्लस 1। ठीक, एक मिनट, गड़बड़ हो गया सर। यहाँ पे देखो c की वैल्यू जो है ना भाई, हमें मिलेगी, ये हो गया 0 और 1, ये उतर जाएगा 0, यानी कि c इज इक्वल टू मिलेगा 0, सो दैट्स व्हाई प्लस 0। सो y इज इक्वल टू क्या मिला आपका? जो सॉल्यूशन है वो x स्क्वायर प्लस log x होगा। अगले सेशन में बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट -2,3 गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस बात को थोड़ा सा आप समझो, ये जो कह रहा है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा, हमारा जो पॉइंट है वो x, y है, यानी कि देखो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट टू द कर्व जो होता है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy dx से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy dx से। दैट मीन्स अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है, दैट मीन्स जो dy dx है वो ऑलरेडी दे चुका है कितना, 2x अपॉन y स्क्वायर। बस यही चीज इसमें जो है मिसिंग थी, यानी कि ये dy dx क्या था? मिसिंग था इस क्वेश्चन में, dy dx नहीं था। तो हम क्या कर देंगे, बस समझो, हम इस dy dx को रख देंगे इक्वल किसके, 2x अपॉन y स्क्वायर। फिर सेम सारा का सारा फिर से वही काम, क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर को इस डीवाई की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डीवाई, और इस डीएक्स को 2x की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू डीएक्स, है ना? ऐसे तो करते हैं। अब क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो वाई स्क्वायर डीवाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डीएक्स। अब y स्क्वायर का अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x का करोगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। ठीक, अब देखो आपको यहां से जो है क्या करना है, एक मिनट, आपका जो पॉइंट दिया है माइनस का 2,3 है ना, एक मिनट, माइनस का 2,3। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 जो है आपको इस वाले इक्वेशन में क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, है ना? रख दिया जाता है, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 एंड
वाई इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। तो x की वैल्यू रखनी है, 2y की वैल्यू रखनी है 3, यानी कि 3 का क्यूब अपॉन 3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। सो देखो ये एक बार 3 से एक बार 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9 इज इक्वल टू ये जाएगा 4 और प्लस का सी। सो फाइनली हम यहाँ से सी को यहीं पर छोड़ देते हैं और इस 4 को इधर भेज देते, तो 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 5। क्या कर दिया जाए, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। सो y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, हम इस y क्यूब को यहीं पर छोड़ देते हैं और 3 को इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो 3x स्क्वायर और प्लस का 15। या y अगर यहां से आप अगर क्यूब हटाना चाहोगे, है ना, तो जिस तरीके से स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करते हो स्क्वायर रूट लेते हो, वैसे क्यूब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप अपना आंसर अगर लाना चाहते हो तो ये आपके पास हो जाएगा देखो क्यूब रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 15। या देखो जब भी अगर आपके पास कहते हो सर अगर मेरे पास अगर स्क्वायर रूट होता है जैसे x है, है ना, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मेंशन नहीं होता तो दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट है, तो आप जब इसको बाहर निकालते हो क्या करते हो, x के पावर 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से जब क्यूब रूट को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15 के पावर 1 अपॉन 3। ये आपका फाइनल आंसर आ रही है, बात समझ में, बात किया जाए एग्जांपल नंबर 14, मतलब सॉल्व किया जाए एग्जांपल नंबर 14 को, एग्जांपल नंबर 13 कर लिया आपने। ये ध्यान रखना स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व अगर बोल रहे हो तो हमें क्या करना, डिवाइड एक्स करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 14 की, सॉरी 14 की। देखो जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 14 की, कह रहा है कि इन अ बैंक, बैंक वो वाला पैसे वाला बैंक, ठीक है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस, मतलब कि जो प्रिंसिपल जो है ना, मतलब कि भाई जितना पैसा जो लिया होता है ना हम उसको प्रिंसिपल मनी कहते हैं। भाई जैसे मान लो आपने बैंक से 500 रुपये उधार लिया, है ना, तो आपकी क्या होगी, आपके वो प्रिंसिपल मनी हो गई, है ना। तो अब जो प्रिंसिपल है यानी कि जो 500 रुपये ना वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बात समझो, कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। देखो जैसे ही आपको समझ आया ना रेट 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 दैट मीन्स डिफरेंशियल सॉरी वो एक मिनट यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, रेट, है ना। तो देखो होता क्या है कि जैसे अगर बात समझो हम लोग अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम देखो बता रहे हैं क्या करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। देखो करते हैं क्या कि जैसे मान लो हम कह रहे भाई पानी की कटनी की से जो कंटिन्यूअसली पानी क्या हो रहा है किसी रेट से कम हो रहा है ना, तो हम उसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखो वही बात है, कह रहा है कि इंक्रीजेज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम वो प्रिंसिपल मनी मान लेते हैं, फिर ये पूछता है कि हाउ मेनी ईयर्स 1000 रुपये डबल इटसेल्फ। अब ये कहता है कि कितने टाइम में जो आपकी जो प्रिंसिपल मनी है ना वो जस्ट 1000 हाउ मेनी ईयर्स रुपए 1000 डबल इटसेल्फ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कितने समय में जो हमारी जो 1000 है वो डबल हो जाएगी, बात समझो। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हमें क्या करना है कि हमें मान लेते हैं भाई कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स रुपए 1000 डबल इटसेल्फ, मतलब 1000 लिया गया होगा तब उसका डबल हो जा रहा है कितने साल में। लेकिन हम मान लेते हैं कि अभी हमारी लेट कर लेते हैं कि हमने जो प्रिंसिपल मनी ली है वो पी है ना, लेट हमारी जो प्रिंसिपल मनी है मतलब सर हमने जो प्रिंसिपल से जो मनी लिया नहीं है प्रिंसिपल मनी, ओके सर इतना ही जानते हैं, ठीक है। देखो प्रिंसिपल मनी मान लेते सर पी है, ओके। और देखो अच्छा अगर प्रिंसिपल मनी पी है तो अगर हमें इसका जो है मतलब निकालना हो कि भाई पर्टिकुलर इतने टाइम बाद जो है आपको कितना जो है मतलब जिसको कहते हैं ना ब्याज, है ना, इंटरेस्ट जो है आपको कितना देना पड़ेगा, तो मान लेते चलो टी टाइम बाद पर्टिकुलर हम बात करें तो देखो यानी कि हमें क्या निकालना, हमें इसका रेट निकालना है पर्टिकुलर किसी टाइम में, है ना। तो हम इसका क्या कर देंगे, टाइम के साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ रहे हो। ये थोड़ा सा फैक्ट है मेरे ख्याल से, मैंने अभी आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना, तो ये इसी में आता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एक मिनट मैंने पढ़ा दिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो देखो जब भी अगर रेट बोलते हैं ना तो रेट का मतलब ही क्या, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो। तो हम इसका क्या करते हैं, अगर हम इस रेट का दैट मीन्स हम इस प्रिंसिपल मनी का क्या करें, हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें पर्टिकुलर जो है इसका हमें मतलब अपनी इस प्रिंसिपल मनी का क्या मिलेगा, 5% मिलेगा। तो किसी भी चीज का अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो, यानी कि पी ऑफ 5% मतलब सॉरी उल्टा लिख दिया 5% ऑफ पी। ये पता है, हम समझ रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा परेशान करता है, जब आप
क्लास टेंथ में हो गया, क्लास नाइन्थ में रहे हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है परसेंटेज वाले, है ना। बट फिलहाल ये तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि हमने इसका क्या किया, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो हमें क्या मिला, हमें इसका रेट मिला, ओके, है ना। 5p अपॉन परसेंट का मतलब कितना होता है 100। सो थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.20। दैट मींस आप ये कह रहे हो कि सर dp अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया, p अपॉन 20 आ गया। सेम वही देखो कहानी, फिर से आपके पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब समझो हम क्या करते हैं, हम इसको जो है पी को पी वाले की तरफ भेजते हैं और टी को इधर की तरफ भेज दिया जाए, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन p dp इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 और dd, ठीक है सर। इसका क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p dp इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 तो बाहर रहेगा और dd, और आपको पता है 1 अपॉन p का क्या हो जाएगा, log p, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 को 20 रहने देते हैं, t का हो जाएगा t, भाई dt का क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा अब यहां पर जो है देखो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, मान लेते सर हमारा ये कांस्टेंट क्या है c, देखो यहां पे थोड़ा सा बात समझो, करते क्या है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको यहां से p की अगर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो p इज इक्वल टू, देखो अब थोड़ी सी मेरी बात समझो, यहां पे लॉग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास है लॉग y इज इक्वल टू x है, आप यहां से y की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो देखो जब लॉग इधर जाता है तो आपका e पावर, मतलब जो भी इधर चीजें होती हैं वो e के पावर में आ जाता है, दैट मींस x के पावर, सॉरी e के पावर x ये हो जाता है। चलो आप ये करके दिखाओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि log m है इज इक्वल टू n, log m इज इक्वल टू n है, आप यहां से मेरे को m की वैल्यू निकाल कर बताओ, बता दिया, देखो कितना आ जाएगा e के पावर n, ये हो जाएगा। अरे बात समझे, तो सिमिलरली ये मान लो कि ये पूरा का पूरा आपका एक पूरा टर्म है, तो p इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, e के पावर t अपॉन 20 और प्लस का c, इसको आप अलग अलग कर दोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा p इज इक्वल टू e के पावर t अपॉन 20 इंटू ई के पावर c, बोलो ये बात समझ में आई। अब देखो आपने कहा कि सर अगर हम यहां से अगर हम इस c की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे सर, देखो e के पावर t अपॉन 20 इंटू ई के पावर c, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब अच्छा एक मिनट, यहां पर देखो थोड़ा सा हम ये काम करने वाले हैं, जैसे हमने कहा कि सर हमारा ये वाला जो टर्म है ना, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा जैसे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, थोड़ा सा देखो आपको समझना पड़ेगा, हम समझ रहे हैं ये चीजें, आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये देखो ऐसे इस प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। आपने कहा ये सर e के पावर जो c है, तो जैसे हमें हमारे पास इसमें पूरा पूरा एक कांस्टेंट आता था c, मतलब हमने ऑलरेडी हमने एक कांस्टेंट लिया, ये भी हमारा पूरा पूरा एक कांस्टेंट है, e के पावर कोई भी वैल्यू तो आपकी वो कांस्टेंट ही तो कहलाएगी। तो ऐसा करते हैं, हम इसको मान लेते हैं c1। अब इस e के पावर c1 को आप पूरा एक दूसरा कांस्टेंट मान लो c, कैपिटल c मान लो, जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि c1 माइनस c2 है, तो चाहे जैसे c1 माइनस c2 हो, c2 माइनस c1 हो, आप उसको क्या रखोगे, c रखोगे। तो हमने इसको मान लिया क्या, हमने इस पूरे e के पावर c1 को हमने मान लिया c मान लिया, तो देखो कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू c इंटू e के पावर t अपॉन 20। अब देखो आपने कहा कि सर आपको यहां से c की वैल्यू निकालनी है, देखो मैंने कहा कि सर मैंने आपको जो है p इज इक्वल टू कितना दिया था, मैंने आपको 1000 रुपये मान लो मैंने आपको दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि देख भाई ऐसा है कि अगर कुछ साल अगर बीते है ना, कुछ साल अगर बीते तो मैं तेरे से जो है इसका जस्ट डबल लूंगा, वो कुछ साल मतलब मैंने समथिंग कुछ भी बताया उसको, ठीक है, वो बात है कि भाई इतने साल बीते मैं तेरे से जस्ट डबल लूंगा। आपने कहा मतलब उसने कहा कि अच्छा सर ऐसी बात है, ये लो अभी तुरंत ले लो, तो अभी तुरंत लेने का मतलब क्या है कि उसने कोई भी साल होने नहीं दिया, दैट मीन्स जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो ईयर्स पे उसको वो कितना पैसा देगा, 1000, भाई इतना ले उतना दे देगा, काहे मतलब क्यों जो है हम क्यों जो है अपना फालतू का ब्याज जो है बढ़ाने जाए। तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू में जो है पुट कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू सी इंटू ई के पावर जीरो, और किसी भी की पावर जीरो होती है उसके मतलब उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, दैट मीन्स इंटू वन, दैट मीन्स इज इक्वल टू, फाइनली आपको यहां से कितना मिला, 1000। तो सी की वैल्यू जो है ना सर वो कितनी आ गई, 1000 आ गई। क्या करते हैं, सी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक, देखो सो पी इज इक्वल टू कितना जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा, इस वाले में रख देते हैं, है ना, ये है P इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू ई के पावर t अपॉन 20। अब
अब आसन चलो। अच्छा ये देखो ये वही पी है कि हमने मतलब माना था कि भाई चलो टी हमने पर्टिकुलर टी टाइम की हमने बात करी थी, जैसे हमने जब टी से जब हमने इसको जब मतलब विद रिस्पेक्ट टू जब हमने जब टी से डिफ्रेंशिएट किया था तो हमने ये कहा था ना कि भाई हम इसको जो है पर्टिकुलर हम ये मान करके चले कि टी टाइम में जो है हमारा जो पैसा हमने जो लिया है 1000 वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये वही वैल्यू है, बस समझो ये जो पी आया ना आपका ये पी वही वैल्यू है जब आपको डबल पैसा देना पड़ेगा, यानी कि आपका ये वही डबल पैसा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 1000 का अगर आप डबल करोगे तो कितना आएगा 2000। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सर ये जो 2000 है और ये 1000 इंटू ई के पावर टी अपॉन 2 है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सेम हैं। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात पहले समझो। सिंपल सी बात है, देखो मैंने कहा कि सर हमने ये जो पी निकाला है ना ये हमारा वो वाला पी है पर्टिकुलर किसी टाइम के साथ हम ये मान करके चले थे कि पर्टिकुलर इस टाइम में हमारा जो है पैसा वो जस्ट डबल हो जाएगा, तो हमारा ये वही वाला पी है। कौन वाला? जस्ट मनी का जस्ट डबल वाला पी है ये। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ओवरऑल जो मनी दी गई है आपने जो ली है मनी वो कितनी है 1000, और 1000 का आप डबल करोगे तो कितना मिलेगा 2000। दैट मीन्स ये वाली मनी जो आई है और ये वाली मनी जो ऑलरेडी दी गई है ये आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हम ऐसे सॉल्व करके क्या कर लेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे सर? देखो बहुत ही आसान होता है। अब जस्ट आपको अपोजिट करना है, बात समझो। अब आपको जस्ट अपोजिट करना है, इस टी अपॉन टू को भेजना है इस तरफ, समझ रहे हो, टी अपॉन टू को भेजना है इस तरफ। तो देखो इसका हम लोग थोड़ा सा यूज करने वाले चीजें थोड़ी सी, देखो हम भी थोड़ा सा भूल रहे हैं, बट एग्जैक्ट देखो रूल देखो यही है। ये मैंने आपको एक रूल बताया, अब आपको क्या करना है, जस्ट इसी का अपोजिट करना है। करते हैं, देखो कैसे किया जाए। अब आप ऐसे कहना चाहते हो सर कि हमें यहां से हमें इस ई को हटाना है, तो अगर ई को हटाएंगे तो एक्स जो होगा मतलब वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और वाई के पास क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 20 है, ठीक है। सबसे पहले तो इस 1000 को काटो, इसको कितना बचा, 2 बचा। दैट मीन्स इसको थोड़ा हम ऐसे सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे देखो 2 इज इक्वल टू ई के पावर टी अपॉन 20। अब देखो तो ये इधर हो जाएगा, बस समझो टी अपॉन 20 ये इधर हो गया, बस समझो टी अपॉन 20 इधर हुआ इज इक्वल टू लॉग 2 और बेस में ई। आपको वैल्यू निकालनी है टी की, तो टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 20। अब ये इधर जाएगा तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दैट मीन्स 20 इंटू लॉग 2 बेस ई। और ध्यान से मेरी बात सुन लो, लॉग 2 बेस ई की वैल्यू और लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू हैं, तो इसलिए आप इसकी वैल्यू रखने की कोशिश नहीं कर रहा, यही आपका रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा जिस टाइम में आपका जो प्राइमरी जो प्रिंसिपल जो मनी है 1000 वो जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। लॉग 2 बेस ई की वैल्यू लगभग 0.6 के आसपास आती है और मैंने आपको लॉग 2 की वैल्यू 0.3 के आसपास मैंने बताई है, ध्यान रखना। तो मिस्टेक नहीं कर देना कि नहीं है सर ये तो मतलब, फिर आपको नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और नेचुरल लॉग दैट मीन्स को हम लोग एलएन बोलते थे। ये सारी चीज़ हमने केमिस्ट्री में आपको थोड़ी समझाई है, अगर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन तो आपको ये याद आ रहा होगा, तो आप इतना ही आंसर छोड़ोगे। ओवरऑल यही है, यही एक्सप्लेनेशन है इस वाले क्वेश्चन का। समझ में आ रही बात? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।